वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म ऊपर से क्रिस्पी और खाने में अंदर से हल्के सॉफ्ट वाटी दाल का भजिया, जिसे साउथ में चना दाल का मसाला वड़ा नाम से भी जाना जाता है। और ये वड़ा सभी को बहुत पसंद होते हैं। साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आपके वड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। और साथ में बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे, जिससे ये वाटी दाल का भजिया खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वाटी दाल का भजिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वाटी दाल का भजिया बनाने के लिए मैंने एक कप चना दाल ली है। चना दाल को हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगने देंगे, जिससे दाल सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, मैंने दाल भिगा दी है और आप देख सकते हो कि दाल भिग के अच्छे से फूल गई है। और इस तरह प्रेस करके भी चेक कर लेंगे, दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और भिगी हुई दाल में से मैंने 2 टेबलस्पून चना दाल को अलग से निकाल दिया है, जिसे हम वड़ा बनाने वक्त बैटर में ऐड करेंगे। अब एक छोटे मिक्सर बाउल में 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 5 से 7 करी पत्ते और 2 तीखी वाली हरी मिर्ची डालकर क्रश कर लेंगे। देखें, इतना क्रश करने के बाद जो हमने चना दाल भिगाई थी उसमें से पानी निकालकर आधी दाल हम एक बार क्रश कर लेंगे और बाकी की दाल हम दूसरे बैच में क्रश करेंगे। और क्रश करने के बाद बैटर को हम एक टोक में निकाल देंगे। हमने क्रश करने वक्त बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। और दूसरी दाल को भी हम क्रश कर लेंगे। और ये दाल क्रश करने वक्त कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बैच में ही सारे मसाले ऐड कर दिए थे। अब ये दाल भी क्रश कर ली है और इसे भी हम टोक में ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हमने बैटर क्रश करने वक्त भी हरी मिर्ची का यूज़ किया है, तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने 2 टेबलस्पून चना दाल भिगाई हुई रखी थी वो भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी भिगाई हुई साबुत चना दाल ऐड करने से वड़े क्रंची बनते हैं। अब वड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे, जिससे वड़े ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में अंदर से हल्के सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बैटर को हमें हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बैटर गाढ़ा है और ये बैटर में हमने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। और दाल को अच्छे से भिगाया होगा तो बिना पानी भी हम आसानी से क्रश कर सकेंगे। और आप देख सकते हो कि दाल को मैंने इस तरह दरदरा क्रश किया है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब बैटर को हम 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए 1 कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून चना दाल डालकर चना दाल को हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है और हल्की ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब दाल हल्की ब्राउन हो जाने के बाद 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 5 से 7 करी पत्ते और 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च के बीज निकालकर ऐड करेंगे और 1 टमाटर के टुकड़े भी ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे। अब इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और थोड़े से हरा धनिया भी डंठल के साथ ही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड करेंगे और टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्ची सॉफ्ट हो गई है, तो इसे अभी हम गैस बंद कर देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू की रस की जगह आप थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हो। अब इसे हम फाइन क्रश करेंगे। अब क्रश करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे और फाइन क्रश कर लेंगे। देखिए, मैंने चटनी क्रश करने के बाद बाउल में निकाल दी है और चटनी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। आप चाहो तो चटनी में तड़का भी कर सकते हो, पर बिना तड़का भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब वड़ा बनाने के लिए मैंने हाथ पानी वाला कर दिया है। आप चाहो तो ऑयल से भी हाथ को ग्रीस कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इस तरह 2 हाथ के बीच में थोड़ा प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम सारे वड़े बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। और वड़े बनाने वक्त ध्यान रखना है कि हमें
साइड से ऐसे क्रैक वाला ही रखना है। और वड़े की आप थिकनेस भी देख सकते हो, साइड में से हमें एकदम बंद नहीं करना है। ऐसे क्रैक रहेंगे तो वड़े फ्राई करेंगे तभी ये वड़े और भी क्रिस्पी बनेंगे। देखिए मैंने सारे वड़े बना दिए हैं। अब हम वड़े को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गरम करने रख दिया था। ऑयल को हमें मीडियम गरम होने देना है और गैस की फ्लेम भी हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। और वड़े ऑयल में डालने के बाद हमें 30-40 सेकेंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम भी मीडियम रखेंगे और इसे अभी हम फ्राई होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से वड़े ऊपर से क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर से भी चना दाल अच्छे से पक जाएगी। एक बैच फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगेगी और इतने बैटर में से हम 15 वड़े बना सकते हैं। देखिए वड़े फ्राई हो चुके हैं और इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और बाकी के वड़े भी फ्राई करेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म है तो आप गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम टू स्लो कर सकते हो। अब एक एक वड़े ऑयल में डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई होने देंगे। और वड़ा ऑयल में डालने के बाद ध्यान रखना है कि तुरंत हमें इसे पलटना नहीं है, नहीं तो वड़े टूट जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म वाटी दाल का भजिया बनकर रेडी है। ये वड़े ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी लगते हैं और खाने में अंदर से हल्के सॉफ्ट लगते हैं। देखिए मैं आपको एक वड़ा तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। और ये गर्मा गर्म मसाला वड़ा को चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी ये वाटी दाल का भजिया एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।